स्वामी विवेकानंद बॉर्न इन 1863, रविन्द्रनाथ टैगोर से 2 साल छोटे थे एंड डाइड इन 1902, बॉर्न इन 1863 टू 1902. इट वॉज बॉर्न एज अ नरेंद्रनाथ दत्ता, रविन्द्रनाथ टैगोर. स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ. तो रविन्द्रनाथ टैगोर सेड स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ. सो ही सेड अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच. अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड. सो रविन्द्रनाथ टैगोर सेड सी फॉर द हाइएस्ट, एम फॉर द हाइएस्ट एंड यू शैल रीच द हाइएस्ट. रीच द हाइएस्ट, तो सी फॉर द हाइएस्ट, एम फॉर द हाइएस्ट एंड यू शैल रीच द हाइएस्ट. प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस आर द 3 एसेंशियल टू सक्सेस. एवर वॉल एंड एवर वॉल लव. प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस आर द 3 एसेंशियल टू सक्सेस. एवर वॉल लव. सपोज आपको आईएस बनना है तो प्योरिटी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए और आपको आईएस से प्यार भी होना चाहिए. दैट यू वॉन्ट टू बिकम एन आईएस, आपको स्पोर्ट्स से प्यार होना चाहिए. द प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस एंड द 3 एसेंशियल टू सक्सेस एंड एवर वॉल द लव. स्टैंड अप, बी होल्ड, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर and know what you are, the creator of your own destiny. Stand up, be hold, be strong, take the whole responsibility on your own shoulder and know that you are the creator of your own destiny. The history of the world is the history of few men who had faith in themselves. So history of the world kya hai? History of the world is the history of few men who had faith in themselves. To pure world ki history kya hai? Un few men ki history hai who had faith in themselves. So when death is certain, it is best to sacrifice oneself for a good cause. जब डेथ क्या है सर्टेन है, इट इज़ बेस्ट टू सेक्रीफाइस वन सेल्फ फॉर अ गुड कॉज. सो जब डेथ सर्टेन होता है क्या करो, इट्स बेस्ट टू सेक्रीफाइस वन सेल्फ फॉर द गुड कॉज. तो एक्सपीरियंस इज द ओनली टीचर वी हैव. एक्सपीरियंस इकलौता टीचर है जो हमारे पास है. इफ सुपरस्टिशन एंटर्स द ब्रेन इज गॉन. जब सुपरस्टिशन आता है देन द ब्रेन इज गॉन. द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक दैट यू आर वीक. ग्रेटेस्ट सिन क्या है, आप ये सोचो कि दैट यू आर वीक. द फायर दैट वॉर्म्स अस कैन also consume us. It is not the fault of the fire. The fire jo hume warm karti hai can also consume us. It is not the fault of the fire. So fire that warms us, that can also consume it. It is not the fault of the fire. You have to grow from the inside out. None can teach you. None can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. In the conflict between heart and the brain, follow your heart. In the conflict between heart and brain, follow your heart. Success ke liye inhone bola hai, take up the idea, make that idea your life, dream it, think of it, live on that idea. Let the brain and the body, the muscle and the nerves of every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. And this is the way to success, and this is the way to get to the way great spiritual giants are produced. This is the way great spiritual giants are produced. तो अगर आपके पास IAS बनना है सपोज, उस आइडिया को लो, उसको आइडिया को अपनी लाइफ बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में ड्रीम करो, उसी आइडिया में जियो. अपने बॉडी है जो आपका बॉडी है, आपका बॉडी, आपका ब्रेन, आपकी मसल्स है, आपकी नर्व्स है, हर एक बॉडी के पार्ट को उसको फील करने दो, उस आइडिया को. आपके बॉडी में पूरे में आप IAS बन गए हो तो आपकी हर एक बॉडी में कैसा फील हो रहा है. जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, सब कुछ छोड़ दो, बस IAS के बारे में सोचो. यही वे है टू द वे टू सक्सेस एंड दिस इज द वे ग्रेट स्पिरिचुअल जायंट्स आर प्रोड्यूस. द ग्रेटेस्ट रिलीजन टू बी ट्रू टू योर ओन नेचर एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ. वी आर वॉट आवर थाट्स हैव मेड अस. So take care of about what we think. Words are secondary, thought live and they travel far. So not believing in the glory of our own soul, what is what the Vedanta call atheism. So not believing in the glory of our own soul. Hum apne hi soul ki glory mein believe nahi kar rahe hain. Isi ko Vedanta mein atheism bola jata hai. So not believing in the glory of our own soul is called Vedanta. In Vedanta is called atheism because hum bhi Krishna ka hi ek part hai. So not believing in the glory of our own soul is in Vedanta it's called atheism. The world is the greatest gymnasium where we come to make ourselves strong. तो गीता में भी लिखा है, द वर्ल्ड इज ग्रेट gymnasium वेयर वी कम टू मेक ourselves strong. ये बोला स्वामी विवेकानंद ने. ऑल द पावर इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी ours. इट इज़ वी हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर द आईज एंड cry इट इज़ डार्क. सो ऑल द पावर इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी ours. इट इज़ वी हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर अवर आईज एंड cry दैट इट इज़ डार्क. दे लिव अलोन हु लिव फॉर अदर्स. दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स. दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स. राइट बाई स्वामी विवेकानंद.